भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर आ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने एशिया कप जीता है उसको देखते हुए आसानी से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का भी घमंड तोड़ सकती है। लेकिन इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की आलोचना में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हर कोई सलाम कर रहा है। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी सिराज को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज काफी ज्यादा फैंस के बीच खुशी का कारण बन चुकी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली शुरुआती 2 मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इसीलिए केएल राहुल टीम के कप्तान हैं और डेविड वार्नर ने पहले वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एशिया कप में कमजोर टीम को हराने के बाद भारतीय टीम यह न सोचा कि वह ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भी हरा लेगी। रोहित और विराट भी टीम का हिस्सा नहीं है, इस कमजोर टीम को दो तो 3-0 से इस सीरीज में हमारी टीम हार आएगी और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही स्टीव स्मिथ ने भी भारतीय टीम की आलोचना करी। उन्होंने कहा, भारतीय टीम हमेशा से ही कमजोर टीमों पर राज करती आई है। हमारा दबदबा भारतीय क्रिकेट टीम के ऊपर हमेशा से रहा है और जब जब हमने चाहा है, जब भारत को हराया है, भारत की यह कमजोर टीम हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। इसलिए भलाई इसी में है कि भारतीय टीम पहले ही घुटने टेक दे। लेकिन आपको बता दे कि इस बीच मोहम्मद सिराज ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि भले ही रोहित भाई और विराट भाई टीम का हिस्सा ना हो, लेकिन टीम के अन्य खिलाड़ी भी जिस तरह की लय से गुजर रहे हैं, या कहना गलत नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को घुटनों पर झुकने का काम अब की बार हम करेंगे। बात रही ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ने की, तो हम एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएंगे अपनी गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया की टीम में जितना घमंड है वह सारा तोड़ा जाएगा। बल्लेबाजी भी हमारी मजबूत है और इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम को कोई भी हारने से नहीं बचा पाएगा। इस तरह से सिराज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी सीरीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा।